हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि गाइस हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब बेसिकली दोस्तों, हम पेंटिंग सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा पेंटिंग सेटअप कैसा है और आप दोस्तों कैसा टाइप का कर सकते हो और कम से कम बजट में। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो, ये मेरा पेंटिंग सेटअप। तो थोड़ा दोस्तों और पीछे होकर दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों वो है मेरा टेबल दोस्तों, जिसमें मैं ऑयल पेस्टल ड्राइंग बनाता हूँ। हाँ, वो ही है मेरा टेबल। तो दोस्तों ये ट्राईपोड को मैं वहाँ पे माउंट करता हूँ, वो उस जगह पे। तो दोस्तों तब जाके ऊपर वहाँ पे मैं अपना कैमरा स्टैंड करता हूँ, तब जाके वहाँ पे वीडियो बन पाती है। और गाइस उसका मैं चलो लास्ट में बता दूंगा आप सभी को। तो गाइज मेन ये है, और ये लाइट दोस्तों मैंने अभी अभी बनाई है। तो अभी उतना तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, फिर भी मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ गाइज आप लोग के लिए। तो देख सकते हो गाइज, ऑटो फोकस बढ़ चुका है कैमरे में भी। और दोस्तों लाइट का फोकस देखो दोस्तों, मतलब क्लैरिटी देखो आप, पता चल रही है। तो गाइज यही यही सेटअप है मेरा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते होगे कि फ्लावर पॉट दोस्तों बैकग्राउंड में होना कितना ज़रूरी है। मतलब दोस्तों फ्लावर पॉट अगर आपके बैकग्राउंड में हुआ तो दोस्तों आपकी पेंटिंग में मतलब अलग से थोड़ा अट्रैक्टिव दिखती है, और वीडियो आपके पूरा दिखते हैं फिर सब। तो गाइस प्लीज़ यार, अगर आपके घर में अगर कहीं भी फ्लावर पॉट होगा तो बस वीडियो बनाते समय यहाँ पे लाके रख लेना पेंटिंग के बाजू में। तो दोस्तों वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, अलग से दिखता है। और गाइस जैसे कि देख सकते हैं, ये ट्राईपोड है। यहाँ पे मैं अपना कैमरा माउंट करता हूँ, फिर यहाँ पर डायरेक्ट शूट होता है ऐसे। तो गाइस ये मेरा न्यू सेटअप है। तो दोस्तों इस पेंटिंग का वीडियो वैसे भी मैं अभी डालने वाला हूँ, और ये पेंटिंग का वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं जाके मेरे YouTube चैनल पे, मैं पहले ही डाल चुका हूँ। तो इस पेंटिंग का दोस्तों डालूंगा मैं अभी कुछ दिनों में, मतलब नेक्स्ट वीक में आ जाएगा इसका वीडियो। तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो। और गाइस सबसे मेन चीज़, आप पेंट ब्रश कहाँ रखेंगे अगर आपका ऐसे खुला रूम है, तो पेंट ब्रश कैसे रखेंगे आप। तो दोस्तों पेंट ब्रश के लिए चेयर रख लीजिए एक, और ये दोस्तों ऐसे, और पैलेट। दोस्तों पैलेट आपको हाथ में पकड़ लेना है, और पेंट ब्रश। तो दोस्तों आप वहाँ पे बैठ के पेंटिंग इजीली बना सकते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ हर बार। आपने हर वीडियो में देखा होगा, इसके पहले मैं यहाँ पे करता था सेटअप अपना। और दोस्तों अभी न्यू सेटअप बनाया है मैंने, पूरा अपने रूम को थोड़ा शिफ्ट भी किया है। ये जो टेबल है पहले ये इधर था। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, आपको घर में आपके जो चेयर्स होती है वो चेयर्स लेनी है, और कैनवास स्टैंड जैसा कि होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों टेबल तो होगा आप लोग के पास, जैसा कि मेरे पास है पढ़ाई अढ़ाई के लिए। तो दोस्तों टेबल तो हो गई आपके पास है ना। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, मेरी ड्राइंग बुक अभी भी यहीं रखी हुई है, मेरा वर्क चल ही रहा था। तो गाइस एक और बात दो जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है गाइस, कि दोस्तों आप फ़ोन से चाहे कैमरे से जिससे भी शूट कर रहे हो, तो गाइस आपको फ़ैन दोस्तों, जो फ़ैन होता है फ़ैन, वो दोस्तों ऑफ करना ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों वीडियो में थोड़ा क्लैरिटी, मतलब आप ट्राईपोड पे जो माउंट करते हैं, जैसे मेरा ट्राईपोड दोस्तों थोड़ा कमज़ोर है, हिलता है। तो गाइस वैसे ट्राईपोड में, और दोस्तों नॉर्मल ट्राईपोड भी होते हैं जो नहीं हिलते हैं, तो दोस्तों उनमें भी अगर आप कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन माउंट करते हैं तो गाइस क्लैरिटी थोड़ा मतलब झिलमिल झिलमिल होता है गाइस। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप अपने रूम में शूटिंग कर रहे हैं, आउटडोर शूटिंग नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों कैमरा हो चाहे फ़ोन हो, तो गाइस उसमें दोस्तों ISO रेंज को बढ़ा देता है। इसलिए दोस्तों मैंने ये लाइट बनाया हुआ है, नहीं तो दोस्तों मैंने ये लाइट भी नहीं बनाई हुई थी तो दोस्तों वीडियो क्लैरिटी थोड़ा लो हो गया था मेरा। इसीलिए दोस्तों ये सेटअप बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इजी सेटअप है, बस आपको करना कुछ नहीं है गाइस। आपको सिर्फ दोस्तों पेंटिंग सेटअप के लिए सिर्फ आपको दोस्तों दो चेयर और एक चेयर दोस्तों ये रखने के लिए, अपना पेंट ब्रश एंड पेंट्स दोस्तों, और बस आपको एक टेबल की ज़रूरत है जैसा मेरे पास है, या फिर जैसा भी टेबल आप लेना चाहे जिस पर ट्राईपोड। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ कि ट्राईपोड मैं कैसे माउंट करता हूँ। फ़िलहाल तो ये बड़ा ट्राईपोड है, अभी बड़ा है,
मैं छोटा करके इसको ऐसे यहाँ पे माउंट कर देता हूँ और गाइस बस शूट करना चालू कर देता हूँ। तो बस इतना ही दोस्तों, और ज़्यादा उतना महंगा सेटअप नहीं है मेरा गाइस। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना गाइस। और गाइस दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बाकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना ज़रूर, भूलना मत। और दोस्तों लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक बाबा जी को। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो बाय।